आज हम बात करेंगे पीटी स्पीकिंग का जो लास्ट सेक्शन है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। आई थिंक सबसे इजी सेक्शंस ये सेक्शन यही है पीटी का। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सो आपने उसको सुनना है और उसका आंसर देना है। और ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि जो आपने कभी आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आपने कभी पढ़ा नहीं है। ये अप टू टेंथ की जनरल नॉलेज तक है, जो भी आपने आपको टेंथ अप टू टेंथ तक पढ़ा है उसी के बेस से ही ये क्वेश्चन आता है। और आपकी जो रोज़ाना की लाइफ है, अभी आप उन्होंने ऐड कर दिए सम क्वेश्चन अबाउट सोशल मीडिया एंड अबाउट इंटरनेट टू। सो इट्स रियली ईजी, आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है ये क्वेश्चन। ये जो टॉपिक है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, इतनी इसकी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो रोज़ के, आपने इसके 15 to 20 मिनट्स लगा दिए तो आपका बढ़िया हो जाएगा मार्क्स, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे इसको करना कैसे है। अब हम बात करते हैं कि ये आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस होता क्या है। ये जो स्पीकिंग का है जो लास्ट सेक्शन है वो यही है। ये आपको डायरेक्टली आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। ब आप 10 से 12 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इसमें। जैसे मैंने स्लाइड में एक एग्जांपल दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होती है। द क्वेश्चन कैन बी विच मंथ कम्स इन बिटवीन दिसंबर एंड फेबररी, सो द आंसर इज जनवरी। सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको इसमें आएंगे। इसमें ये है कि आपको लिसनिंग एंड स्पीकिंग के मार्क्स मिलेंगे। मीन्स जो आपके जो आप सुन के आंसर सही दोगे तो आपके स्पीकिंग में तो ऐड नंबर होने ही होना है। इसके साथ साथ आपके लिसनिंग में भी ऐड होंगे। अब ये है कि आपने एक ये सेक्शन को कंप्लीट कैसे करना है, कैसे कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं, गूगल से आपको मिल सकते हैं। मैंने अभी प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो भी अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हो। उसको पॉज करके आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसको क्वेश्चंस को याद कर सकते हो। आपको और भी गूगल में मिल जाएंगे क्वेश्चन, उसको रोज़ के 10-15 मिनट लगाओ, उस पर आपको याद हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पहले ही पता होगा कि इसका आंसर क्या है। उस तरीके से आपको कर सकते हो। मैं कुछ लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप उस लिंक पर जाके आप ये क्वेश्चन की प्रेपरेशन कर सकते हो। अभी ये सम टिप्स हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस के। फर्स्टली ये है कि जैसे 3 सेकंड्स रूल है, इसमें भी अप्लाई होता है कि आपने जब क्वेश्चन सुना उसके जब बीप की आवाज़ और रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी तो आपने 3 सेकंड में बोलना है, अदरवाइज वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर देगा कंप्यूटर, आपका लास्ट वाले क्वेश्चन के मार्क्स कट हो जाएंगे। मैंने सम स्टूडेंट्स हैं जिसके मार्क्स 90 out of 90 स्पीकिंग में है, लेकिन उनके जो आंसर जो उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन के दिए वो 9 or 10 out of 12 दिए, 2 और 3 उन्होंने आंसर नहीं, लेकिन उनके मार्क्स पूरे हैं। इससे ये प्रूव होता है कि ये इतने ज़्यादा मार्क्स कंटेन नहीं करता। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, और लास्ट में आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आपको अच्छी वीडियोस लग रही हैं तो आप इसको शेयर करो, प्रैक्टिस करो, फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मैंने अभी अब मैं सारी की सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ कमिंग मंथ्स। अभी राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, एवरीथिंग आई विल अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आप अगर एक एक ट्रिक टिप्स को यूज़ करेंगे जो मैंने बताई है तो आपको अच्छे मार्क्स आने की गारंटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। जैसे अभी मैं अपलोड जिस टाइम में कर रहा हूँ तो लॉकडाउन है ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ में। आप अगर आप घर पे हो तो घर पे प्रैक्टिस करो, तो जितने में लॉकडाउन खुलेगा आप अपना टेस्ट दो और अपने जो सपने हैं वो साकार करो। थैंक यू वेरी मच, यू हैव गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।